जनजत की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम मौजूद है विधानसभा परिसर में जहां पे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रहा है। बीजेपी जेएमएम कांग्रेस सारे विधायक मंत्री सब अंदर मौजूद है। बहुत लोग चल भी गए जिनसे हमने खास बातचीत भी की है। बताते चले कि यहां पर कहीं ना कहीं एनडीए के जो साझा उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक रहा है उन्हें आदिवासी कम्युनिटी को जो उछाला है उसमें जेएमएम तो पूरा फंसा और उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को। इसको लेकर कहीं ना कहीं संभावना लग रही है कि द्रौपदी मुर्मू हो सकती है देश की अगली राष्ट्रपति। तो इसी चीज़ को लेकर हमने कई बात भी किया है आगरा कांग्रेस की तरफ से। हमने उमा शंकर जी से और मांडर की विधायक शिल्पी तिर्की और राजेश ठाकुर बंधु तिर्की इन सबसे हमने खास बातचीत की है। साथ ही जेएमएम के मंत्री चंपई सोरेन से भी हमने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं इन सब ने क्या कुछ कहा है। तो हमारे साथ मौजूद है मांडर की विधायक शिल्पी जी और यहाँ पे जो वोट मैम आपने वोट दिया है क्या? जी मैंने भी वोट दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप पहली बार विधायक बनी, पहली बार वोट दे दिया। बिल्कुल। इसके साथ ही आप क्या कहना चाहिए, यशवंत सिन्हा की जीत पर कुछ भरोसा है, क्या कहेंगे? भरोसा यही है आज कि लोकतंत्र बचेगा, जो जिस तरह से जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आज उसी को बचाने के लिए यहाँ पे हम आए थे। विपक्ष ने जिस तरीके से आदिवासी कम्युनिटी एक कार्ड गलत नहीं होगा ट्रम्प कार्ड खेला है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी तो इनको बैठाओ पद पर, आपको लगता है इतना बड़ा पद को सारे कम्युनिटिज्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए? बिल्कुल, राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ चुनाव होता है। इसको अगर आप बस जाति में और लिंग के नाम पे आप इसको अगर बांटने का कोशिश करेंगे तो ये उस पद के लिए भी सही नहीं है। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू इन केस वो जीती है तो क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जैसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी उनके जीतने का बहुत चांसेस प्रबल है। मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी अगर माननीय द्रौपदी जी जीतती हैं तो अपने अंतरात्मा का बात सुने और आदिवासी के हित में काम करें, क्योंकि आदिवासियों को बहुत सारा विश्वास है। एक आदिवासी महिला से बिल्कुल खुशी हमें भी है, मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी महिला, मुझे भी बहुत खुश होगी, मगर मैं चाहूँगी कि वो आदिवासी के हित में काम करे, ना कि जिस तरह से भाजपा हमेशा से आदिवासी को लूटते हुए आई है, हमारी ज़मीन को लूटते हुए आई है, हमारे हित को तोड़ने की को हमारे हित में कुछ काम नहीं किया है उन्होंने, हमारे लिए जो भी लॉज बने हैं उसको तोड़ने की कोशिश की है, तो इन सभी चीज़ों से वे ऊपर उठ के सही रास्ते में चल पाए। जी थैंक यू सो मच शिल्पी जी। तो आपने शिल्पी जी को भी यहाँ पे सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए हमने शुरू से कहा था कि गरिमामय पद का चुनाव है और राष्ट्रपति पद का चुनाव किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, राज्य विशेष को लेकर के नहीं होता है। सारी चीज़ें देखने को मिली है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से किसी को आगे करके और फिर से एक बार झारखंड में ज़मीन छीनने की योजना बन रही है, जो अभी 2022 में एक ये हुआ है, फैसला हुआ है कि अब कोई भी वन भूमि को ले सकता है, जिससे बहुत सारे कानून जो हैं पहले से बने हुए वो प्रभावित होंगे। तो अब देखना है कि कौन राष्ट्रपति चुन के आते हैं और उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, तभी पता चलेगा कि कौन किसके लिए चुन के जा रहा है, क्योंकि पहले भी लोग बने हैं और इस तरह की बात पर नहीं बने हैं। तो हमें लगता है कि गरिमामय पद का चुनाव हुआ है, गरिमामय तरीके से हुआ है, सभी दोनों उम्मीदवार को हमारी शुभकामनाएं हैं। गाड़ी देखिए अभी तो चुनाव की प्रक्रिया 5 बजे समाप्त हो जाएगी, सील हो जाएगा, अभी 2 घंटा बाकी है और जिस तरह से उम्मीदवार देकर के एनडीए मैंने वोट को साधने का काम प्रयास किया है, इसमें सफलता उसको मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन झारखंड में जितने भी एनडीए के लोग हैं उनको इसी एकजुटता के साथ जिस तरह आज लोग एकजुटता दिखाया है उनसे मैं अपील करता हूँ, उनसे मैं आग्रह करता हूँ
कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो जमीन वापसी का तकरीबन 1900 मामले आपका कोर्ट के द्वारा आपका ऑलरेडी निर्णय दे चुका है कोर्ट ने जमीन वापसी का, ये तमाम जमीन को भी वापसी अगर करा देगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें वो लोग समर्थन दें हम कोर्ट में जमीन के लिए। कल भी आपकी बात जो थी अंतरात्मा की आवाज़ करती हुई जाती है, तो लेकर के कहा जा रहा है भाजपा वाले ने भी कहा जिस तरह पड़े थे आपसे पहले वोटिंग करने पहुँचे उन लोग, उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ से कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो वोटिंग मुर्मू को लोग क्या कहें, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने दीजिए, बाकी तो पता चल ही जाएगा। पालन किया है हम लोग को, जसवंत सिन्हा जी को वोट देने का लोगों ने आदेश दिया, हम लोगों ने समर्थन हमारी पार्टी किया है और हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी के आदेश को पालन करेंगे, कभी उसको अदर नहीं जाएंगे। नहीं, आपने कहा आदेश हमारा पार्टी है, पार्टी हमको टिकट देकर यहाँ तक पहुँचाई है, हम ऐसे नहीं पहुँचे, हम निर्दलीय आदमी नहीं हैं, हम पार्टी के विधायक होने के नाते हमको पार्टी ने टिकट दिया है, तब अकेला यादव बरही से विधायक बना है। अगर इनके द्रौपदी मुर्मू जी बनती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगा? यानी प्रतिक्रिया मेरा कहना है कि द्रौपदी जी बनती है एनडीए के वो उम्मीदवार हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि यूपीए के उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। हाँ, एक बात बताए यार, अंतरात्मा को लोग बताते हैं, आज तक तो यहाँ गरीब लोग अपने आत्मा को ढूंढारा करते हैं, सोचते हैं, ये सब फालतू बात है। अंतरात्मा अंतरात्मा क्या अंतरात्मा, हमको नहीं बुझाता है। ये बात तो सही आपने कहा, एक बात है, हम तो ये कहेंगे कि बड़े बड़े जिस कुर्सी पर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बैठते थे वो कुर्सी है, जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे देश का वो कुर्सी है, और आज तो समझते हैं कि राज्यसभा, आप जानते हैं मैडम कि राज्यसभा में वो व्यक्ति जाएगा जो काफ़ी काबिल होगा, अच्छे लोग होंगे, लेकिन आज पार्टी के ऐसे लोग जाते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं है, तो हम कहते हैं कि मैं उनके विद्वत्ता पर कोई प्रश्न नहीं चिन्ह करता हूँ, ये द्रौपदी मुर्मू पर अच्छे विद्वान है, लेकिन हमको तो अच्छा से हमारे यहाँ राज्यपाल रही हैं झारखंड में 5 साल राज 6 साल राज्यपाल रही हैं, तो हमको उनके विद्वत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनको पार्टी ने बनाया है टिकट उम्मीदवार बनाया है, एनडीए के लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित तौर पे यदि जो उनको ये वोट का ये रूल है, कोई व्यक्ति का तो है नहीं, वोट से वो चुनाव जीतेगी, यदि जो उनका ज़्यादा समर्थन बनेगा तो राष्ट्रपति बनेगी, तो हम लोग यदि जो बन जाएगी तो उसी से उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, कारण है कि आज सौभाग्यशाली मैं हूँ कि 2 बार विधायक बनने के बाद पहली बार हमको राष्ट्रपति का वोट देने का अवसर प्राप्त हुआ है, पहली बार मिला है, इसलिए गर्वान्वित होता हूँ कि सबसे देश के यानी कि देखिए इलेक्शन तो हम लोग को क्लियर है, पिछले दिनों बैठक में हम लोग बोल चुके हैं, आर पार्टी का अध्यक्ष का आदेश है। दादा, पार्टी के इस फैसले को बीजेपी से नज़दीकियों के तौर पर भी देखा जा रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, देखो राजनीतिक विचार प्रसूति को भी देखता है ना, आज झारखंड आदिवासी बोल क्षेत्र है, आज झारखंड का संघर्ष में बहुत लंबा इतिहास है, 1755 से इतिहास, उससे पहले से इतिहास है ना, सारा चीज़ को हम लोग आकलन करके यह सब निर्णय लेना पड़ा। उपराष्ट्रपति को लेकर भी तस्वीर ऐसे ही रहेगी या कुछ अलग? नहीं, उसमें हम लोग फिर विचार कर लेंगे, फिर बैठेंगे उसको विचार कर लेंगे। तो आपने साफ तौर पर इन सबको कहते हुए सुना है कि राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा पद होता है, इसको आदिवासी या कोई कम्युनिटी से न जोड़े बल्कि पूरा
इन सब चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से पूरा ऊपर उठकर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद का पद है, ये बहुत बड़ा पद है, और जो भी जीते, चाहे वो यशवंत सिन्हा जी हो या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हो, जो भी जीते उस पद का मान रखे, संविधान का मान रखे और देश की सेवा करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रे अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।